नमस्ते सबको, आज मॉडर्न क्रिएशंस आपको बताने वाले हैं कैसे फोमिंग पेपर से बटरफ्लाइज और फ्लावर्स क्रिएट कर सकते हैं डेकोरेट करने के लिए कोई भी जगह को या वॉल को। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए अपडेट्स पाने के लिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। इस लुक को क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए फोमिंग पेपर, पेयर ऑफ सीजर्स, आयरन and also decorative stones which is optional, also very important double tip. Now let's start. तो हम यहाँ पे एक ले रहे पेन और इस पेन से मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी बटरफ्लाइज। डिफरेंट साइजेस का बटरफ्लाइज आपको ऐसे ड्रॉ करना है और इस ब्लू पेपर में मुझे ड्रॉ करना है फ्लावर्स। तो लीजिए, ये हो तैयार हो गया हमारा बटरफ्लाइज और फ्लावर्स कटिंग। बहुत ही सुंदर दिख रहा है हमारा बटरफ्लाई। अभी हम इस आयरन में इस बटरफ्लाई को डाल रहे हैं ताकि इसमें एक बेंड आए। आप देख सकते हैं जो बटरफ्लाई एकदम स्ट्रेट था उसमें काफ़ी बेंड आ गया है, तो हमारा लुक जो है ना वो बहुत अच्छा लगेगा और एक रियल लुक देगा, एग्जैक्टली लाइक दिस। तो अभी मैं कर रही हूँ सारे बटरफ्लाइज को बेंड और ऐसे ही फ्लावर्स को भी मैं बेंड कर लूँगी थोड़ा सा उसमें रियल टच देने के लिए। और ये हो गया हमारा बटरफ्लाइज एंड फ्लावर्स तैयार। अभी मैं डबल टेप का यूजेज दिखा रही हूँ। डबल टेप को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट करना है और इसको हमें साइड में रखना है छोटे छोटे पीसेस को कट करके, ताकि हम तुरंत बटरफ्लाई और फ्लावर के पीछे इसको चिपका सकें, क्योंकि ये हेल्प करेगा हमें उन सारे बटरफ्लाइज और फ्लावर्स को वॉल में चिपकाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही हम सारे बटरफ्लाइज के पीछे डबल टेप चिपका देंगे और ये ध्यान में रखना है कि वो डबल टेप सामने से ना दिखे। तो उसके लिए आपको अगर डबल टेप को थोड़ा छोटा करना पड़े तो आप कर लेना, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो आप ऐसे ही सारे बटरफ्लाइज के पीछे सारे डबल टेप्स को जो भी आपने कट करके रखा है उसको चिपका देना। जैसे कि मैं इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो डबल टेप दिख रहा है बटरफ्लाइज के साइड से वो मैं इसको काट रही हूँ, इसको रिमूव कर रही हूँ। तो ऐसे ही आप इस सीज़र से, ये सीज़र में जनरली यूज़ होता है सलों में, सो सलों या फिर हेयर कटिंग शॉप्स में। तो ये सीज़र काफ़ी अच्छा है एकदम पतले पतले कटिंग्स करने के लिए और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को कट करने के लिए, तो ये सीज़र आप यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं सेम प्रोसेस अप्लाई कर रही हूँ हमारे छोटे बटरफ्लाइज के लिए, क्योंकि छोटे बटरफ्लाई में बड़ा जो लेंथ वाइज डबल टेप है वो नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं डबल टेप को छोटा सा या स्क्वायर शेप में काट के उसको चिपका रही हूँ। एंड सेम प्रोसेस मैं फॉलो कर रही हूँ फ्लावर्स के लिए भी। अभी ये है हमारा फ्रिज जो आप देख सकते हैं, और उसके ऊपर जो वॉल है मुझे काफ़ी दिन से खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कुछ किया जा सकता है इसके साथ। तो ये लीजिए, हमने कर दिखाया बटरफ्लाइज एंड फ्लावर्स को चिपकाया। ना ये ज़्यादा हैवी लग रहा है, उस वॉल को हैवी बना रहा है और डेकोरेटिव एक लुक भी दे रहा है। सो ये आप अप्लाई कर सकते हैं अपने घर के फ्रिज के साथ भी। प्लीज़ फॉलो कीजिए मॉडर्न क्रिएशंस को और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।